ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الروف الرحيم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا صبيا صدق الله مولانا العظيم موزز مشايخ و علماء كرام موزز اساتذه عزيز طلبه وطالبات دنيا برمي تمام سامعين ونازلين और जुमला मताल मुतलमीन और मुस्फ़ी दीन यानी इल्म हासिल करने वाले इस्ता करने वाले सुनने समझने वाले इल्म का इश्तिया रखने वाले पिछली नशस्त में हमने अलहदुल्ल ती इम की अहमियत और ख़ास तौर पर तहसील इल्म का जो प्रोसेस है जिसे हम तुम कहते हैं और इबलाग इल्म जिसे तालीम कहते हैं इस पूरे अमल की फजीलत इस पर हमने गुफ्तु करते हुए आखिरी आया करीमा जो जिस पर हमने बात की थी और जिसके बाज पहलुओं पर रोशनी डाली थी वो सूरा अल अलक़ की आयत नंबर छियासठ यानी सिक्सटी सिक्स थी सीद़ना मूसा आलाम और खिजर अलैहिस्सलाम का वाकया था

43, सूरह मरियम मरीम का नंबर 19 है 19. इसमें सीधना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को आज़र को जिसने आपकी परवरिश की और रिवाजन एहतराम परवरिश के बायस जैसे अरब का रिवाज है और कदीम ज़मानों से तो उसको बाप कहा जाता था इसी तरह जिक्र आया है हैुरान मजीद में तो इब्राहीम अपने उस परवरिश करने वाले बाप यानी हकीकी चचा को नस्बी एतबार से चचा परवरिश के अतबार से बाप उससे कहते हैं ऐ मेरे वालिद मेरे पास बार गाह इलाही से वो इल्म आया है बार गाह इलाही से वो इल्म आ चुका है जो तुम्हारे पास नहीं है कदजा अनी मिनल मालम या अतिक, तो इसमें इल्मिलवाही की तरफ इशारा किया जा रहा है और ये वो ज़माना है आपका इब्तदाई जिसमें के अलावा भी इशारा है एक और इल्म की तरफ जो रुश्द व हिदायत फ़हम व बसीरत और हकायक की मारफ़त का ज़रिया बनता है मैंने पिछली नशस्त में भी इशारा किया था इस अमर की तरफ़ और अभी भी आगे एक दो आयात इनशा आएंगी। हमारी गुफ्तु उन तक पहुँची तो फिर मैं इल्म की इन अकसाम पर थोड़ी डेप्थ में जा कर गुफ्तु करूँगा तो फरमाया कि मेरे पास वो इल्म आ चुका है कद जा मिनल इल्म इशारा इल्मही की तरफ है जो तुम्हारे पास नहीं फतबनी सो इस इल्म की वजह से मेरी इतबा करो मेरी पैरवी करो अब यहाँ एक नुकता वाज़ होता है इस आयत करीमा की नस से कि साहिब इल्म की इतबा करनी चाहिए बिलुमूम अगर उसका इल्म सही हो फिर आगे मबनी पर किताब सुन्नत, यानी वही रब्बानी की हिदायत पर मबनी हो तो उसकी पैरवी है लाज है हर उस शख्स पर जिसके पास उस दर्जे का इल्म नहीं है अहदी का सिरा कन सबिया इस मेरे इल्म की पैरवी की वजह से मैं तुम्हें सीधी राह दिखाऊंगा, यानी तुम भी हिदायत पा जाओगे मैंने पिछली नशस् में भी तफसी से बात की थी कई आयात करीमा के तहत कि इल्म सही हिदायत तक पहुँचाता है और इम का और हिदायत का इस तरह रब्त और ताल्लुक़ है जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता तो हदायत मन मिनल्लाम से मिलती है लिहाजा किसी और ज़रिए से हासिल होने वाला इल्म अगर मनज़ल इल्म से वही पर मबनी इलम से अगर टकरा जाए उनमें तसादुम और तजाद हो जाए तो फिर हर किस्म के इल्म को रद्द कर देते हैं वही पर मबनी इल्म हर एक पर फ़ाइ होता है हम इससे आगे एक आयत करीमा ले रहे हैं सूर ताहा की आयत नंबर 114 है ताहा कि सूरा नंबर ट्वेंटी है वर्स वन वन फोर इसमें एक बड़ी अजीब बात है जो इल्म की अजमत और इल्म की फजीलत को उजागर करती उसमें आकाल असलातलाम को अल्लाह रबुलजत ने हिदायत फरमाई है फतः ये आयत करीमा शुरू हो रही है यहां से बस अल्लाह बुलंद शान वाला है वही बादशाह हकीीकी है तो अल्लाह रब्लिज़त की तोहद से इस आयत का बयान शुरू होता है और आयत करीमा ख़त्म होती है इस दुआ पर जो हजूर सलाम को तलक़ीन की अल्लाह रबु लज़त ने फ़रमाया मेरे हबीब मकर वुर्रब ज़िदनी आप अल्लाह के हजूर ये अर्ज़ किया करें कि अरे रब मुझे इल्म में और बढ़ा दे मेरे इल्म में और इजाफा फरमा यहाँ एक अहम चीज़ जो तवज्जो तलब है वो ये कि हज़ूर सलातम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई और बड़े इनामात और इकराम और एहसानात से नवाजा बड़े दर्जात बुलंद किए और हर नेमत कायनात में सबसे ज़्यादा हज़ूर इस्लाम को अता हुई क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी और इजाफे के लिए फ़रमाया लाइन शकर तुम लजीज़न्नकुम हर एक अल्लाह की नेमत के लिए अगर तुम शुक्र अदा करोगे किसी नेमत पर तो अल्लाह ताला अपनी नेमत में और इजाफा फरमाएगा उसे और बढ़ा देगा येमी तालीम की मगर किसी एक नेमत का नाम लेकर पूरे कुरान मजीद में ये बात तोज्जो तलब है अल्लाह रबत ने हुक्म नहीं फरमाया कि इसमें इजाफे के लिए मेरे महबूब दुआ किया करें उम्र भी नेमत है अखलाक भी नेमत है तकवा भी नेमत है अमल साले भी नेमत है सेहत तंदरुस्ती भी नेमत है आफ़ियत और सलामती भी नमत है अला आजयास बहुत सारी सलाहियतें ऐसी हैं इंसानी ज़िंदगी में और अल्लाह पाक के बहुत से इनाम हैं जिनका आप शुमार नहीं कर सकते मगर क़ुरान मजीद में किसी एक नेमत का भी नाम लेकर सराहतन इस तरह का हुक्म नहीं फरमाया कि इस नेमत में मज़ीद इजाफे के लिए दुआ किया कीजिए जिसमें इजाफे की दुआ का हुक्म फरमाया वो नेमत इल्म है मैं इल्मा आप अंदाज़ा करें कि इल्म की कदर व मंजिलत क्या है और अल्लाह रबल इज़्त की अपनी निगाह है अजीम में इल्म का मुकाम और उसकी जगह क्या है कि हजूर तो असलाम को तलकीन फरमा रहे हैं कि दुआ किया कीजिए मेरे हुजूर अर्ज़ किया करें कि मैं आपके इल में और इजाफा करूँ तो यहाँ से दो चीज़ें मालूम हुई एक तो ये वो इजाफा करने की अल्तजा और दुआ किसी और नेमत के लिए उसका जो हुक्म नहीं आया सिवाय इल्म के तो पता चला कि इल्म इतनी बड़ी नेमत और इतनी बड़ी शह है कि आकाल आकाम को भी इसमें हर वक्त इजाफे के लिए दुआ करने का कहा गया दूसरी बात ये मालूम हुई कि इल्म हमेशा बढ़ता रहता है इल्म जामद नहीं होता तो इल्म नबूत में भी इजाफ़ा होता रहता है लमह ब लम्हा, लम्हा। यानी आकल इस्लाम ने जब एलान नबूवत फरमाया रिसालत का दौर जब शुरू हुआ और आपकी बेसत हुई तो जो इल्म का आपका दर्जा और मरतबा उस वक़्त था वो दर्जा नहीं था जब आप दुनिया से रुखत हुए तो आपके अपने मराते बे इल्म भी लम्हा लम्हा रोज़ बरोज़ वक्त बवक्त बर बढ़ते गए और दुनिया से आक सलाम तो जब रुखसत हुए तो इल्म के बाप में कोई हकीकत ऐसी नहीं रह गई थी जिसका इल्म अल्लाह रब्बुल रबालज़त ने इस्लाम को अतःाना फरमा दिया यानी आपकी हयात मुबारक में किसी गोशे में भी किसी अम्र की नस्बत किसी पहलू में ला नहीं रही थी ला की हर हालत आपके विशाल से कबल इल्म से बदल दी गई थी ये कुर रब इल्मा से मुस्तफ़ाद होता है नबी की दुआ रद्द नहीं होती और फिर ये ऐसी दुआ है जिसके करने का हुक्म अल्लाह हरबुजत दे रहा है कि मेरे हबीब आप मुझसे ये दुआ किया करें यानी वो इजाफा फरमाना चाहता है लम्हा लम्हा और नबुवत को इम मुस्तफा को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है कि मखलूक के लिए उससे आगे इल्म का कोई और दर्जा ना रहे उसके बाद फकत इल्म खालिक हो तो मखलूक अपनी आखिरी हद को पहुंच जाए उससे ऊपर मखलूक के लिए मुमकिन ना हो फिर इल्म खालिक है उस दर्जे तक इलम नबुवत को इम नब महमदी पहुँचाने के लिए अल्ला रबुज़त हुक्म फ़रमा है तो जब अल्लाह हुक्म फ़रमाएगा ये एक अकीदे का नुकता भी फरा है फ़रा एक छोटी सी ब्रांच साथ बयान कर दूँ कि जिस इल्म में इजाफे और उसके मरतब कमाल तक पहुँचाने का हुक्म अल्ला रब खुद फरमाए और फिर आकल इस्लाम तमीले इर्शाद इलाही में उम्र भर ये दुआ करें चूंकि फरमाया रब जिंदनी उम्र बर दुआ करें कि बारी ताला मेरे इल्म में और इजाफा कर और इजाफा कर तो बताइए मरतब इल्म में कौन सी शेय ऐसी रह गई होगी जो हजूर इस्लाम के दामन इल्म में ना आई हो ये बात समझने वाली बाज़ोकात बाज़ात बाहनों में इंसान है ना और इंसान क्यास करता है बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर अपने ऊपर क्यास दूसरे को नहीं करना चाहिए हर एक को क्यास उसके हाल के मुताबिक करें उसके मरतबे के मुताबिक उसकी सलाहियत के मुताबिक उसकी इस्तेदाद के मुताबिक तो आकल व सलाम का एक तो ये और फिर कुरान मजीद की आयत करीमा सूर आउज़ मेंउ बिल्लात वल आखिर तो खैर का मिनलूला आपकी आखरत आपकी पहली दुनियावी जिंदगी से बेहतर यकीनन और दूसरा आपकी हर बाद की घड़ी पहली घड़ी से बेहतर है यानी आकल इस्लाम की हयात तैयबा में हर अगला दिन पहले दिन से बेहतर होता और ऊंचे रुतबे पर होता इसलिए तो फरमाया गया कि जो मोमिन अगर उसका अगला दिन पहले दिन के बराबर रहे तो उसके लिए खसारा है उसका तकाजा उसके ईमान का यह था कि पिछले दिन से अगला दिन उसके ईमान में बढ़ जाता उसके ईमान का दर्जा बढ़ जाता रुतबा बढ़ जाता खौफ खुदा में बढ़ जाता अल्लाह के कर्ब में और आगे बढ़ जाता इसलिए आकल सलाम ने फरमाया कि मैं हर रोज सत्तर मरतबा एक हदीस में दूसरी हदीस में फरमाया सौ मरतबा इस्तवार करता हूं हालांकि आकल इस्लाम मासूम है आप गुनाहों से पाक हैं मासूम हैं नबी मासूम होता है और इस्तार होता है गुनाह के लिए लफजशों के लिए तो जो नबी मासूम है गुनाहों से लफजशों से वो इस्तार क्यों करता है तो इसके कई मानी हैं मैं अभी सदीस की शरह की तरफ़ तो नहीं जा रहा मैं मरकूज़ रखना चाहता हूँ अपनी पूरी गुफ्तगु उसी नुकते पर जो हमारा मौजू है तो मासूम नबी क्यों इस कर रहा है तो वो ये है उरफा ने मुहदसिन ने दोनों ने दोनों तबक़ात नेारिफीन ने भी मुहदसिन ने भी इल्म ने यह बयान किया कि आकल असरात सलाम की चूंकि हर बाद की जिंदगी की हर बाद की घड़ी आपकी हयात मुबारक का हर बाद में आने वाला लम्हा हर अगला दिन पिछले दिन से अफजल होता हर अगला लम्हा पहले लम्हे से आला होता हर अगली घड़ी पहली घड़ी से ऊंचे रुतबे वाली होती चूंकि लम्हा ब लम्हा आपका दर्जा बुलंद से बुलंद तो जा रहा था तो जब आप बलंद रुतबे पे खड़े होकर पीछे निगाह डालते तो वो जो कम रुतबा था आपके हसब हाल अगले रुतबे के मुकाबले में उसको अल्लाह के हजूर इस्तफार के लायक समझते शान अबीजत में अल्लाह के हजूर बंदगी का हक अदा करने में वो देखते कि वो लम्हा इस अगले लम्हे के मुकाबले में नीचे था तो गोया वो महसूस फरमाते कि अल्लाह का हक के अबदीत अदा करने में उसमें कमी रह गई बनिस्बत उस लम्हे के जो अब अदा हो रहा है फिर अगले लम्हे में दाखिल होते तो पीछे नजर दौड़ाते फरमाया जिस शान से अल्लाह की बंदगी का हक अब अदा हो रहा है पिछला लम्हा उससे नीचे था फिर इस्तार करते मेरे मौला मुझे माफ फरमा दे शायद उस लम्हे मेरे ऊपर जो हक़ है तेरी बंदगी का का शायद उस लमहे उस शान से अदा ना हुआ हो इस तरह लम्हा ब लम्हा जो जो आपकी शान रुतबा बुलंद होता चला जाता और पलट के पिछले लम्हे को देखते तो वो लम्हा उस लमहे के मुकाबले में कम होता कमतर होता उस लम्हे की दूसरे लमहे के मुकाबले में कमतरी को देखकर और उसकी बर्तरी को देख कर इस्तवार करते चले जाते और इस तरह दिन में सत्तर मरतबा आपकी मुबारक हालत में तगैर होती ऊपर जाती ऊपर जाती और सौ मरतबा ऊपर जाती इसलिए मोमिन की शान में कहा गया कि मोमिन दिन में सत्चालीस मरतबा सत्तर मरतबा सौ मरतबा उसके हाल में तगैर होता है और जिसके हाल में तगैर ना हो वह समझे कि मेरी हालत मुनाफिक है उसमें निफाक है चूंकि अगर ईमान है तो उसमें नमू होगी ये बात बड़ी अहम है ईमान है तो उसमें इरतिका होगा उसमें तरक्की होगी ईमान का तकाजा ये है देखे ना एक पौधा अगर आप एक ज़मीन पर लगा देते हैं मैं नुकता समझा रहा हूँ आपको को रब जिदनी इल्मा की शरह कर रहा हूँ एक पौधा लगाते हैं उस पौधे को ज़मीन भी अगर अच्छी हो फिर पैहम्बर के दिल की जमीन से किसकी ज़मीन अच्छी होगी और फिर पैगंबर की तिबाह में मोमिन के दिल की जमीन से किसकी जमीन अच्छी होगी तो अगर जमीन भी अच्छी हो माली भी अच्छा हो फिर अल्लाह से बढ़कर माली कौन अच्छा होगा फिर खाद भी अच्छी हो फिर पानी भी ठीक मिल रहा हो वक्त पर और अगर सूरज और धूप चाहिए रोशनी चाहिए तो वह भी मुयसर हो यह सारे तकाजे पूरे हो रहे हो तो पौधा तरक्की क्यों नहीं करेगा तबाना क्यों नहीं होगा आगे बढ़ेगा क्यों नहीं यह है ईमान की मिसाल अगर ज़मीन भी अच्छी है खाद भी मिल रही है पानी भी मिल रहा है धूप और रोशनी भी मिल रही है और उसकी कल्टीवेशन भी प्रॉपर माली कर रहा है सारी शराय पूरी हो रही हैं फिर भी पौधा न बढ़े तो इसका मतलब है कि कोई कीड़ा लग गया है उसको पौधा जल रहा है पौधे में कोई नक्श है तो फिर ट्रीटमेंट करते हैं उसका ये गार्डनिंग का सब्जेक्ट है अगर आपको शौक़ हो गार्डनिंग का बाग़बानी का पौधे लगाने का और उनका ध्यान रखने का तो फिर आपको समझ होगी जो लोग ये शौक़ रखते हैं उनको पता है फिर वो फ़िक्र करते हैं तशवीश हो जाती है कि देर इज़ समथिंग रॉन्ग कोई ख़राबी है उसका फिर ट्रीटमेंट करते है। फिर हैं फिर वो चीज़ें उखाड़ते हैं फिर वो मुख्तलिफ़ उगने वाले जो गलत पौधे उनको उखाड़ते हैं केमिकल देते हैं अराजल क्या स्प्रे करते हैं ट्रीटमेंट एक अलग सब्जेक्ट है फिर होता है क्यों कि पौधे की परवरिश रुक गई है नशो नुमा उसकी तरक्की इरतका रुक गया है पौधा क्यों नहीं बढ़ रहा तो जिस तरह पौधा न बढ़े तो तश्वीश होती है इस तरह ईमान भी एक पौधा है जो दिल की जमीन पर उगता है अगर वो हर रोज ना बढ़े तो मोमिन को तश्वीश होनी चाहिए कि कहाँ मेरे दिल की ज़मीन में कोई ख़राबी है उसमें कोई निफाक का कीड़ा लग गया है हिरस और हवा और हवस का कोई कीड़ा लग गया है रियाकारी का कीड़ा लग गया है मेरी नीयत में कुछ खलत मल्त हो गया है खालिस और ग़ैर खालिस चीज़ मिल गई है उसमें कुछ और गुनाहों की आलूदगी आ गई है उसको तात का पानी नहीं मिल रहा उसको अल्लाह के कर्ब और अल्लाह की ऱा की खालस तलब की नीयत जो है वो खाद नहीं मिल रही उसकी देखभाल नहीं हो रही सो असबाब हैं मोमिन को तशवीश होगी कि मेरे ईमान का पौधा बड़ा क्यों नहीं हो रहा वहीं खड़ा हुआ है इसलिए फरमाया जिसके ईमान की हालत में तगैर और तगैर बमाना इरता है ऊपर तरक्की करना तबाना होना बढ़ना ये ना हो वो मुनाफिक है और मोमिन तो एक दिन में दर्जनों बीसियों पचासों मरतबा अपना हाल बदलता है यानी हालत ईमानी उसमें तगैय आता है यानी मुसलसल सब अरतिका रहता है ईमान अब ये जो पूरी बात समझाई अब इसका इतलाक आकल आकलेतलाम की जात यकदस पर और किसी भी पैकर नबूवत के हवाले से कर लें तो आकल सलाम कि इल्म के पौधे को बढ़ाने वाला परवरिश करने वाला देखभाल करने वाला माली अल्लाह खुद है जमीन कल्ब मुस्तफ़ा है वो दिल जिस पर अल्लाह अपनी वही उतारता है जो वही को जज्ब करने की सलाहियत रखता है वो दिल जो अल्लाह की वही को जज्ब करता है वो दिल जो अल्लाह का दीदार करने की सलाहियत रखता है माँ कजब अलफ आदमार आ वो कल्ब मुस्तफ़ा है फिर ईमान और तात और तकवा सलाम से बढ़कर किसका हो सकता है वो खाद और पानी मिल रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है तो इस वजह से आक इस्लाम की लम्हा ब लम्हा इतनी तेज़ रफ्तारी से आपके अहवाल की कैफियात ईमानी की दर्जात की मरातब की सलाहियतों की इस्तेदात की इल्म की तकवा की परहेजगारी की शान हर चीज़ में लम्हा ब लम्हा होता रहता वलल तो खैरलकम का इनकास आपके हर लमहे हर हाल में होता हर हाल में हर जहत में वही चीज़ इल्म में भी है तो इसलिए इल्म हुजूर अलैहिस्सलाम का लम्हा ब लमहार में जब इकर बसम लजी खलक का रबता जुड़ा था ग़ार ही में तो इल्म की जो कैफ़ीत उस वक्त थी साफ ज़ाहिर है वो अगले दिन या साल के बाद नहीं थी फिर अगले अयाम में वो नहीं थी तो बढ़ती बढ़ती बढ़ती। जब तेईस बरस गुजर गए और औरब जिदनी इल्मा का सिलसिला इरतिका का जारी रहा तो इल्म खत्म हो गया इल्म के समंदर इल्म के ओशन जो भी अल्लाह रब इजत ने मखलूक के लिए मुमकिन बनाया था जो भी मखलूक के लिए मुमकिन था वो सारा आकल असलात वसलाम हजम फरमा गए आपकी शान इल्म में आ गया सारा और सिर्फ़ वो रह गया जो शान खालिक की है जिसमें मखलूक शरीक नहीं हो सकती तो ये वाद एक नमत है कि इसको मजीद मांगने की तलकिन फरमाई गई इल्म के सिवा किसी और नेमत पे ये जोर नहीं दिया अब उसके बाद अगली आयत करीमा जो हम ले रहे हैं ये सुरय अलम्बिया की है और उसमें आयत नंबर चौहत्तर है इसमें भी वही मजमून है जिस का ज़िक्र पिछली नश्त में हम कर चुके कई बार कि अम्बिया अम्बैया का ज़िक्र करते हुए अक्सर क़ुरानी मजीद ने उनके हुक्म नब को शान इल्म के साथ इकट्ठा बयान किया जोड़ा है इस पर मैंने तफसीली गुफ्तु पिछली नशस्त में कर दी थी मगर अब आयात नई आ रही हैं यहाँ फर मैया वलूकन आतई नाहम और लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने हिकमत यानी हुक्म नबुवत का माना भी है और हिकमत का माना भी है और इल्म से नवाजा था तो हिकमत और इल्म से नवाजा था यह हुक्म नबुवत और इल्म से नवाजा था तो यहाँ भी जोड़ा है वनज्जैनाहु मिनल करिया अल्लती कानत तअमलु अलखबाइस इन्नहुम कानू कौम सौ फासिकीन फरमाया कि जब हमने उनको हमत और इलम से नवाजा तो हमने उन्हें उस बस्ती से निजात दे दी जहाँ के लोग गंदे काम करते थे पलीद काम करते थे और बेशक वो बहुत ही बुरी बद किरदार कौम थी अब यहाँ दो चीज़ें इस्टब्लिश होती हैं एक तो वही बात जो पहले हम कह चुके हैं कि हमत और हुक्म नब को हर पैगम्बर के हुक्म नबूत को और इम को अल्लाह रबुज ने बहम जोड़ा है लाजम मलज़ूम है। दूसरा इसमें बयान फरमाया कि इम बा निजात है तो इल्म की पहचान है इसमें बयान की गई कि इल्म किल्म सही वही होता है जो ख़बाश से बुरे कामों से बंदे को निजात दे दे जो इल्म बुरे काम से फिस्क से फजूर से पलीदी से ख़बाश से बुराइयों से बुरी आदात से बुरे अखलाक से बुरे आमाल से जो इल्म निजात न दे वन जई ना नल करिया करिया एक बस्ती है अब इसका इतला कर रहा हूँ इतला कर रहा हूँ जो इल्म आमाल सयाह को ख़त्म न करे और उनकी जगह अमाल सालिया की रगबत ना पैदा करे जो इल्म तकवा पैदा ना करे जो गुरबत इलाहिया का शौक पैदा ना करे जो इल्म परेजगारी ना दे जो आख़रत और जन्नत की तरफ रागब ना करे और बुरे आमाल बुरी आदात बुरे अफ़ाल और बुरे हरकत से बंदे को निजात न दे वो इल्म इल्म सही नहीं है वो फिर तख्ती पे लिखे हुए सिर्फ़ हरूफ हैं तो यहां जो अक्स कर रहा हूं नुकता वो ये कि हुक्म बयान करके फिर फरमाया वन जई ना हो करिया यानी देखिए ना निजात तो मिली उस करिया से जहां बुरे काम होते थे मगर उससे पहले इल्म का जिक्र किया तो तीन चीजों को जोड़ा हमत को इल्म को और निजात मिनल खबास को नजात मिनलखबाइश तीन चीजों को जोड़ा कि इल्म के अंदर एक इनबिल्ट खूबी है शान है इल्म की तासीर है कि वो तकवा से मोहब्बत करता है वो मन की कैफियत को अंदर के हाल को बदलता है परहेजगारी लाता है और ख़बाद से और बुराइयों से बंदे को दूर करता बचाता है इसके बाद फिर आगे सूर्य अलंबिया की फिर आयत नंबर उनासी और अस्सी सेवेंटी नाइन और एटी अलंबिया, सूरा नंबर इक्कीस ट्वेंटी वन इसमें फरमाया फम नाहा सलेमान व्लन आतई ना हुक्म चुनाचे हम ही ने सुलेमान को वो फैसला करने का तरीका सिखाया था जिससे वो फैसला करते थे और इन सब को पीछे अम्बिया आल सलाम का जिक्र आ चुका है अब बिलजुमला बात हो रही है इन सब को हिकमत और इल्म से नवाजा था हमने फिर देख अब तमाम अम्बैया का बिल जिक्र करके हमत और इल्म से नवाजा था उनकी शान बयान कर दी कि उनकी नुमायाँ शान ही ये थी कि वो साहिबान इल्म साहिबानल्कमत थे इसके बाद अब हम आते हैं सूर्य अलज की आयत करीमा पर और ये तीन आयतें मैं इकट्ठी पहले कोट करता हूँ और ये फिर इस पर इल्म की एक बहस है सूर्य अलज की आयत नंबर तीन है और सूरा अल हज इसका नंबर ट्वेंटी टू है ट्वेंटी टू थ्री इसके बाद हम लेंगे फिर आगे अल हज की आयत नंबर आठ एट ट्वेंटी टू एट फिर साथ तीसरी को मैं ज़िक्र कर लूँगा वो भी अल हज की आयत नंबर चौवन ट्वेंटी टू फिफ्टी फ़ोर और फिर साथ इसके हम सूर हज की आयत नंबर सत्तर का भी जिक्र कर लेते हैं ट्वेंटी टू सेवेंटी चार आयात करीमा सूर आज की इकट्ठी मैं ज़िक्र करता हूँ तो फिर इस पर गुफ्तु करते हैं इनमें ज़राए इल्म का बयान किया गया है इल्म के आलात क्या है इल्म के ज़राए क्या हैं मसादिर क्या है इल्म किन किन तुरु और वसाइल से आलात से हासिल होता है और उसकी क्या क्या हैसियत है इस पर फलासफ़ा भी कुफगु करते थे उन्होंने अपने अपने अंदाज़ से अपनी कुतुब में बात की अरस्तु के ज़माने से हमारे फिर दौरे इस्लाम के दौर में जो अरब दुनिया में जब फ़लासफ़ा थे जिनकी कुतुब मदारस में अरस दराज तक पढ़ाई जाती रही हैं तो वो फ़लासफ़ा का भी एक नुक़ः नज़र था इल्म और आलात इल्म और जरा इल्म मसाद इल्म वसायल इल्म के ऊपर इल्म की हकीकत पर माहियत पर आलात पर वसायल पर बाद बाजा इल्म कलम का भी ये मौजू बना मुतकलमीन ने इस पर गुफ्तु की फिर इम कलाम से ही लेकर हमारे फोकहा में जो असूली जींद्र उसूल पर बात करने वाले इमूल पर उन्होंने भी इसको लिया तो असूल फिक की अक्सर जो बड़ी कुतब हैं इमसूल में असूल फ़िक पर तो वो फिर इल्म की माहियत पर हकीकत पर वो भी बात करती और मतकलम जब इमकायद पर लिखते हैं और इलमाम पर जब लिखते हैं अकीदा पर और इल्माम की ज़ुबान में बात करते हैं तो वो भी अक्सर व बेशतर फिर इल्म की माहिएत उसकी हकीकत उसके आलत उसके ज़रा वसाइल फिर उसके असरात और उनके अहकाम उस पर बात करते हैं तो ये कॉमन सब्जेक्ट रहा फ़िलासफा का भी मुतकलमीन का भी और उसूली जीन का यानी हमारे फोकहा में जो इल्म उसूल से बहस करने वाले उस का तो ये गोया एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे उलूम और फ़नून में काम देता है और अल-इल्म बज़ात खुद एक सब्जेक्ट हो गया तो उसके भी उसूल हुए, उसमें भी ये कार आमद है और अब फिर साइंटिफ़िक नॉलेज डिवेलप हो गया साइंस आ गई फिर उसके ज़रा आ गए तो इल्म तो बहसूरत इल्म है उसके जराए बढ़ते जा रहे हैं तो आज भी हैं उन्हीं बुनियादों पर मगर उनमें दायरों में तोसी होती गई उसके तरीक़ार बदलते चले गए आलात बदलते चले गए मगर असल वही है तो ये जो आयत करीमा है अलहज की नंबर तीन इसमें इर्षात फरमाया व मिनन्ना से मई युजा दिल्ल बैरमिन वत्ता कुल्ला शैतान मरीद कि कुछ लोग ऐसे भी हैं ये कुरान मजीद ने इसको बयान किया कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के बारे में बगैर इल्म के झगड़ा करते हैं मुजादला करते हैं यानी मुनाजरा करते हैं तकरार करते हैं बहस करते हैं बगैर इल्म के और जब इल्म के बग़ैर करते हैं तो नतीजा ये होता है कि हर सर शैतान की पैरवी करते हैं अब ब़ैर इम और मैं युजादिलफिल्ल अल्लाह की लूहत पर बात करते हैं उसकी जात वफ़ात पर बात करते हैं उसके असमा पर बात करते हैं उसकी शून परेशानों पर उसके अफ़ाल पर बात करते हैं उसकी तख्लीक पर बात करते हैं बेर इमिन बग़ैर के अब साफ़ जाहिर है एक बड़ी अहम चीज़ है जो ये बात करता है ऐसे अनोखे और अदक मौजूआत पर अल्लाह की जात और शफ़ात में और उसके असमाव अफ़ाल में और उसकी दीगर शून में और उसकी शान ख़लाकियत में और उसके दीगर पहलुओं पर जो बात करता है तो आप थोड़ा सरसरी तरीके से सोचें वो इल्म के बग़ैर तो बात कर ही नहीं सकता थोड़ा आप गौर करें इस पर यानी एक बिल्कुल जाहिल आदमी बिल्कुल जाहिल अनपढ़ तो वो तो इस मौजू पर बात कर ही नहीं सकता करेगा कितनी करेगा कितनी देर करेगा क्या करेगा तो ये इशारा किया गया है कुरानी मजीद में कुछ ऐसे लोगों की तरफ जो आकल असलात अस्लाम के ज़माने अकदस में उनके मुफसरीन ने मैं अब तफसीरी पहलू की तरफ नहीं जाना चाह रहा नाम बताए गए कि जो अल्लाह की जात और सिफात और अस्मा अफ़ाल पर बहस करते थे अल्लाह की तख्लीकल पर बहस करते मौत की हकीक़त पर बहस करते बादल मौत पर बहस करते किस तरह नशूर होगा मरने के बाद धड़ियाँ खाक में मिल जाएंगी कैसे मुमकिन नहीं उठाए जाएंगे, हशर और नशर कैसे होगा तो वो सारा इस पर बहस करते इसका रद्द करते नफ़ी करते अल्लाह रबरमाया कि वो अल्लाह की अल्ला के बारे में यानी अल्लाह की इन शानों के बारे में बग़ैर इल्म के झगड़ा करते तो उनके पास अपना इल्म था जो चीज़ उनके पास थी वो अपनी अक्ल और राय से करते थे तो कुरान मजीद ने मुजर्रद राय से फ़लसफियों का तरीक़ार था मुजर्रद राय से जो बहस करते थे उसको रद्द कर दिया और फ़रमाया ये सरकश शैतान की पैरवी करना है तो यहाँ जब कहा मैं बग़ैर इल्म, इल्म की नफ़ी की कि उनके पास इल्म नहीं है और बग़ैर इल्म के इन अमूर पर बहस करते हैं तो इसका मतलब है जो इल्म वो समझते थे बहस करने वाले जिसकी बुनियाद पर वो नफी कर रहे थे अल्लाह रबु इज़्ज़त की शानों की उसकी असमाव सिफ़ात की उसके अफ की उसकी कुदरत की खलक़ उ की पहली तख्लीक़ की फिर नशात बा मौत की जिसकी नफी कर रहे थे उसके पास भी उनके जाम में उनके ख्याल में कुछ तो था ना जिसको वो इल्म समझते थे फार। उसको कुरान मजीद ने कहा कि वो इल्म नहीं है उसके इल्म होने की नफी की उसको इसलिए नफी की इल्म होने की कि जिस मौजू पर यह बात बड़ी बारीक है जिस मौजू पर वह बहस कर रहे हैं वह इल्म उस मौजू पर कार आमद नहीं है वह इल्म उस मौजू तक रसाई हासिल नहीं करता वो इल्म उस मौजू का इदराक और अहाता कामिल नहीं कर सकता उस इल्म को उस मौजू की सही मारिफत नहीं हो सकती उस इल्म की हदूद छोटी है या उस इल्म का मंबा गलत है उसका मसदर ठीक नहीं है उस इल्म में सेहत का फुकदान है उस इल्म में हिदायत का फुकदान है उस इल्म का रुख सही नहीं है उस इम में सलाहियत नहीं कि उस मौजू पर गुफगू कर सके बहस कर सके और किसी सही नतीजे पर पहुँचा सके इस तरह के कई इसबाब थे जिन मालूम को जिस फहम को जिस ख्याल को उनकी जहन की एक सतह थी उस जहन में ख्याल था एक तसुर था उस वो जो उनके तस्वुर थे उनके ज़रिए नफी करते थे अल्लाह रबु ने उनके बारे में कह दिया इंतफा और इल्म कर दिया कि इम की नफी कर दी ये इम नहीं है इसका मतलब यह है कि ऐसी सूरत भी होती है कि जिस बसा अवकात इंसान इल्म समझता है कुरान नफ़ी कर रहा है कि वो इल्म नहीं है बसाओत एक इल्म एक चीज़ को जानने के लिए तो कुछ मुनासिब रहनुमाई कर देता है उससे ऊपर दर्जे की चीज़ के लिए वो उसकाबिल नहीं रहता तो उसके लिए वो इल्म ना रहा अब अगली आयत में आता है जो सूर हज की आयत नंबर आठ है ये आयत नंबर तीन थी बिगनिंग में थ्री अब आयत नंबर आठ है ट्वेंटी टू एट फिर इसी तरह मजमून को दोहराया और इसके दरमियान एक चीज़ अल्लाह पाक ने बयान फरमाई देखा ना ये आयत नंबर तीन फिर आगे आयत नंबर आठ तो इसके दरमियान कुछ आयात आई हैं वो मैं पढ़ता हूँ तो एक चीज़ मुकदमा के तौर पर उस मजमून को अल्लाह रब मजमून को लाने से पहले बयान कर रहे और उस मजमून को ख़त्म करके अख्ताम पर फिर यही बात की और फिर, फिर फरमाया ममिन फिल्ला बिल वाला हदम वला किताब मुनिर अब यहाँ तीन चीजों की नफी कर दी उनसे कुफ्ार मशरकिन से, से। फरमाया कि लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह की और सिफात और उसकी शानों और कुदरतों के बारे में झगड़ा करते रहते हैं बगैर इल्म के बगैर हिदायत और दलील के और बगैर रोशन किताब के तीन चीज़ें बयान करते यानी उनके पास ना इल्म है ना हिदायत है ना किताब मुनीर, ना रोशन किताब है अब आपने देख लिया यहाँ तीन चीजों का जिक्र किया इल्म का अलग जिक्र किया हिदायत का अलग जिक्र किया किताब मुनीर, रोशन किताब का अलग जिक्र किया तो मैं पहले भी कभी तफसीर के मौजू पर गुफ्तगु करते हुए मैं बयान किया करता हूँ कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है मखलूक का कलाम नहीं है वो माज़ मुतरादफात नहीं बयान फरमाता कि एक ही लफ्ज़ को मुतरदफ़ के तौर पर दो तीन चार लफ्ज़ वारद कर दें एक ही मफहम के नहीं हर लफ्ज़ का एक अलग माना है हर लफ्ज़ का एक अपना इतलाक़ और इंतबाक है हर लफ्ज़ की एक अपनी मानवीय है तो फरमाया कि वो झगड़ा करते हैं अल्लाह की शान के बारे में उसकी कुदरत के बारे में ात वफ़ात के बारे में على ان ان كه پاس نہ علم ہے نہ ہدایت ہے نہ کتاب منیر نہ کتاب روشن ہے تینوں چیزوں کی نفی فرما دی۔ اگلی ایت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمائے افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور तो क्या उन्होंने जमीन में सैर व सेहत नहीं की जमीन में चले फिरे नहीं हैं शायद उन खंडरात को देख कर उनके दिल ऐसे हो जाते जिनसे वो समझ सकते तो इसका मतलब यह है कि देख कर मुशाहदात से भी इल्म हासिल होता है यानी अगली जो जो आएते हैं तो बात खुलती चली जा रही है और तो मुशाहदात भी जरिया इल्म है सीरू फर्द सैर करते जमीन में चलना फिरना गुजशत उमम और कौमों की खंडरात को देखना उजड़े हुए महल्लात को देखना जिन पर सजाएं उतरी अजाब अल्लाह के उतरे उनके हालात को देखना तारीख के उन सफ़ात पर जो जमीन पर मुतसम है उनको देखना तो उनको देखते तो शायद उनको कुछ समझ आ जाती और फरमाया कि फतकून कलूबू कुलूबुन याकिलून बिहा उनके दिल ऐसी सलाहियत के हामिल हो जाते हैं उनके दिलों को वो सलाहियत और इस्तेदाद मिल जाती कि वो बात को समझ सकते और आज़ान यशमाऊना बेहा या उनको ऐसे कान मिल जाते कि वो सुनने लग जाते अब यहाँ बहरापन मुराद नहीं है कान तो हरेक के हैं जिनको बात की जा रही है घूमते फिरते उनके भी कान हैं उनके भी दिल हैं मगर ये सुनना दो किस्मों का है एक वो सुनना जो आपको फहम न दे और एक वो सुनना जो आपको फहमे सही दे दे तो वो ऐसे कान उनको मिल जाते जो सुन सकते यानी हकीकत को समझ सकते फिर कुरानी मजीद ने इस नुकते को मजीद वाजे किया फरमाया फ इन नहा लातामल अबसार वो इन सर की आँखों के एतबार से अंधे नहीं हैं हकीकत यह है कि ऐसे लोगों की आंखें अंधी नहीं होती ये जो चेहरे में जुड़ी हुई हैं और जड़ी हुई हैं इन आंखों के अंधे नहीं हैं हलाकिन कुलूब अल्लतीफ़ सदूर उनके वो दिल अंधे हैं जो सीनों में रखे हुए हैं और इसका इशारा अक्ल और दिमाग की तरफ है जो नज़र नहीं आता है वो वो जगह उनकी कुलूब अंधे हैं यानी दिमाग तक हकीकत की रसाई नहीं तो ये ज़राए इल्म को और बढ़ा दिया है और इसी तरह आगे सूरह हज की आयत नंबर सत्तर में एक किताब का लफ्ज़ फिर बयान किया फरमायाम तःअलम नजालफ़ी किताबिन नजाल यसर तो यहाँ भी फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में है और ये किताब में दर्ज है तो किताब को फिर इल्म का इस करार दिया चौथी आयात चूँकि उसमें किताब का ज़िक्र आया तो इसके साथ रेलिवेंट है मैंने पढ़ दी तो ये आयात हैं ये बयान करती हैं इल्म की हकीकत और माहियत को इल्म के मसादिर को इल्म के आलात को अब जब हम बात करते हैं और ख़ास तौर पर ब़ैर इल्मिन वला हदन वाला किताब मुनिर इस पर इरतक़ करते हैं बाकी आयात इसकी तायद में साथ रहेंगी कि अल्लाह की तात वफ़ात उस और उसकी शान और कुदरत के बारे में झगड़ा करते हैं हालांकि इनके पास ना इल्म है न हिदायत है न किताब रोशन है अब इसको जानने की ज़रूरत है कबल इसके कि मैं इस मौजू में जाऊँ इल्म क्या है हिदायत क्या है किताब मुनिर क्या है और इनकी हदूद क्या है और इनकी माहियतों में फ़र्क क्या है और किस किस का हुक्म काबिल कबूल है किस का हुक्म काबिल कबूल नहीं किस का हुक्म किस बाप में कबूल करना है किस का हुक्म किस बाप में कबूल करना है इसमें जाने से कबल कुरान मजीद में वो जो आयत नंबर तीन और आयत नंबर आठ के दरमियान जो मजमून आया है जिससे पहले भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह फ़रमाया कि बग़ैर इल्म के अल्लाह की शान में झगड़ते हैं और एंड पर भी फ़रमाया कि बग़ैर इल्म बग़ैर हिदायत और बग़ैर रोशन किताब के अल्लाह की शान में जगड़ते हैं इसके दरमियान अल्लाह इजत ने एक दलील दी है और वो दलील है जो इल्म से भी साहिब इल्म भी उसको समझ सकता है साहब हिदायत भी समझ सकता है साहब किताब मुनीर भी तो आयत नंबर तीन तो हो गई उसके बाद आयत नंबर चार में गुमराही और हिदायत का जिक्र है दोजख् के अज़ाब की रहनुमाई मिलती है वो गुमराही उनको हिदायत देती है यानी लेकर जाती है रास्ता दिखाती है दोज़ख़ का हिदायत उस गुमराही उनको व यह दी ही अला अज़ाबिन सईर हिदायत से मुराद वो हिदायत नहीं है यानी वो गुमराही जो लोग गुमराह हो जाते हैं वही गुमराही उन्हें रास्ता दिखाती है दोज़ख़ का तो इससे ये इशारा मिलता है कि जो लोग गुमराह हो जाते हैं वो अपनी गुमराही को हिदायत समझ रहे होते हैं वो समझ रहे होते हैं कि हम हक पर हैं अगर वो उनको ये पता चल जाए कि हम गुमराह हो गए तो वो तो फौरी अपने आप को दुरुस्त कर लें तो वो गुमराही उन्हें रुकने नहीं देती कि वो अपने हवाल पे गौर करें वो गुमराही पे गुमराही गुमराही पे गुमराही वो ख्याल का एक तांता बन जाता है और वही उनको हाथ पकड़ के दोजख में जा गिरा देती है ले जाती दो जख् का रास्ता दिखाती है इसके बाद वो मजमून आया है आयत नंबर पाँच में पूरा ये कहकर के जो लोग कुफार मशरकिन में से लोग बहस किया करते थे और उनका रद्द करते हुए तो फिर दरमियान में अल्लाबनफरमायान्ना इनकुन तुम फी रई ऐ लोगो अब वो जो के बास पर इनकार करते थे कुफार जिनकी बात हुई मुफसरीन ने तीन मुख्तलिफ नाम लिए हैं कुफार के उस जमाने में आमतौर पर कि इसके बारे में नाजिल हुई इसके बारे में हुई इसके बारे में हुई, बारे में हुई तीनों के बारे में हुई शान नजूर तारीख़ी एतबार से तो नाम लिया गया मगर मजमुई तौर तो पर फिर उनकी पैरवी करने वाले जमी कुफ़ार मशरकिन एक ही फ़िक्र के हामिल थे इनकार करते थे कि मुर्दा हो जाने के बाद जब हड्डियाँ गोश्त पट्ठे हमारे बसल्स आसाब जल्द सब कुछ ख़ाक में मिल के ख़ाक हो जाएगा फिर बिखर जाएगा मुंतशिर हो जाएगा कुछ नहीं बचेगा हम कैसे ज़िंदा होंगे और बास बादल मौत दोबारा उठ के कम क़ब्रों से और क़्यामत के दिन खड़े होना कैसे होगा यहाँ से वो अपनी बहस को शुरू करते कुरान मजीद ने कहा है लोगों अगर तुम मरने के बाद जी उठने में शक रखते हो अगर तुम्हें शक है कि मरने के बाद कैसे जी उठेंगे अब ये इल्म वो इल्म के बग़ैर हिदायत और बग़ैर किताब मुनीर के बहस करते हैं अब दरमियान में कुरान मजीद ने दलायल इल्म दिए अगर तुम्हें शक है मरने के बाद जी उठने पर तो फिर अपनी तखलीक और इरतका पर गौर करो तुम कहते हो कि मट्टी में हो जाएंगे तो कैसे हम जी उठेंगे मट्टी से अल्लाह पाक ने फरमाया फा ख़लकना को मिन तुराब हमने तुम्हें पैदा ही मट्टी से किया है तो जब तुम्हारी पहली तखलीक मट्टी से कर दी तो उस पर गौर करो फिर तुम्हारी जो बाठाना वो क्या मुश्किल है उस रब पर कि जब तुम कुछ न थे तो उसने मट्टी से तख्लीक किया तुम्हारी असल को तो वो दोबारा मट्टी से उठाना उसके लिए क्या मुश्किल है अब ये गौर दिलाया जा रहा है फिर फरमाया सम में नुतफ़ातिम वो तो एक तारीख थी कि मट्टी से बनाई आदम की तश्कील हुई वो एक केमिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन है इंसान का आगे फरमाया सतफ़ातम फिर अल्लाह रब्ज़त ने तुम्हारी कीमियाई इब्तदा कीमियाई इब्तदा जो मट्टी से की फिर तुम्हारी हयातियाती इब्ता थी बायोलॉजिकल बिगनिंग हुई तुम्हारी जो माँ के रहम में हुई हयातियाती कीमियाई इब्ता वो तारीख़ है कि किस तरह नस्लन बा नस्लन हैवानात का दौर नबाता जमादात का फिर नबातात का फिर हैवानात का फिर इंसानों का किस तरह तश्ीर होती चली गई ये वो उसकी तरफ इशारा है फरमाया जब तुम्हारी हयातियाती इब्ता का बायोलॉजिकल बर्थ का टाइम आया तो तुम्हारी इब्तदा एक नुतफा से की यानी तोलीदी कतरा से की एक तोलीदी कतरा से तुम्हारी इब्ता की एक छोटा सा ड्रॉप सुम्मा सुन आला फिर में मादर के अंदर जोंक की तरह की सूरत में तुम्हें एक मलक वजूद बना दिया रे में मादर के अंदर जोंक की तरह लीच की तरह तुम एक मुअल्लक वजूद बनाया तुम अमिन मुदिन मखला का तिन वग़ैर फिर उसके बाद तुम्हें मुअल्लक वजूद से फिर एक ऐसे लोथड़े में लोथड़े में जो दांतों से चबाया हुआ लगता है एक ऐसा गोश का जैसे लोथड़ा वो बना दिया जो ऐसे लगता है जैसे कोई गोश का लोथड़ा दांतों से चबा दिया गया हो मखला का का जिसमें बाज़ आजा की इब्तदाई तख्लीक नुमाया हो चुकी है बाज़ आजा उसकी इब्तदाई तख्लीक मालूम होती है कि ये ये जिस्म के आज़ाब बन रहे हैं इस लोथड़े में वैर मुखल कत और बाज़ आज़ा की तख्लीक अभी अमल में नहीं आई वो दिखाई नहीं देते कि कुछ ये ये आज़ाब बन रहे ले नबैयन लकूँ ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी कुदरत और अपने कलाम की हकानियत ज़ाहिर कर दें अब यहाँ पर अल्लाह रबत उन हकैक़ को बयान फरमा रहे हैं उन्हें कहकर कि बग़ैर इल्म के तुम शोर मचाते रहते हो झगड़ा करते हो हम तुम्हें हकायक बताते हैं जो गैब के कई पर्दों के अंदर तश्कील पा रहे हैं माँ के रहम में अब ये नबी तुम्हें बता रहा है अपनी वही के ज़रिए माँ के रहम में वो हकायक ये है इल्म और हिदायत और किताब मुनिर उन व नफिल अरह में माँ नशा व इला अजर मुसम्मा और फिर हम जिसे चाहते हैं रहमों में मुकर्र मुद्द तक ठहराए रखते हैं माँ नशा जिसे चाहते हैं ठहराए रखते हैं इसका मतलब है बाजों का अबॉर्शन भी हो जाता है बाज बच्चे गिर जाते हैं ये माँ नशा उसे पता चला जिनको अल्लाह चाहता है मुकर्र मुद्द तकरे में मदर में महफूज रहते हैं तो मां नशाओ कहकर बाजों को मुस्तना कर दिया बाजों का अबॉर्शन भी हो जाता है। उनको अल्लाह नहीं चाहता कि वो मुकरर मुद्दत तक रेह में मादर में महफूज रहें। मुकररा मुद्दत तक ठहराए रखते सुम नुखर जुकुम तिफला फिर हम तुम्हें बच्चा बनाकर निकालते हैं बाहर व मिन मई यु तवफा व मिन कुमई यु रद्दो अला अर्ज उमर फिर तुम्हारे निकालते हैं परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी जवानी को पहुंच जाओ तुम में से वो भी हैं जो जल्द वफात पा जाते हैं जल्द जिनकी उम्र थोड़ी होती अब देखें पूरी इंसानी ज़िंदगी का अत्या कर लिया तुम में से वो हैं मई यो तवफा जो वफात पा जाते हैं जवानी की उम्र में पहले वफात पा जाते हैं जल्द और कुछ वो हैं जो नहायत नाकारा उम्र होने तक लौटाए जाते हैं यानी बहुत बुढ़ापे तक रहते हैं जब उनको पकड़ के बेटे या या फैमिली चल रही होती है उठाना बैठाना भी मुश्किल हो जाते हैं साल, साल है। उस उम्र तक भी ले जाते हैं बाजों को ले कई ला याद या आ ताकि वो शख्स ये मंजर भी देख ले कि सब कुछ जान लेने के बाद अब फिर कुछ भी नहीं जानता यानी फिर वो उसका निशियान आना लग जाता है निशान भूलने लग जाता है तो जानने के बाद अब वो नहीं जान रहा तो उसके आज़ा मुजमहल होने लग गए फिर वो दौर भी कुछ लोग देख लेते हैं कि जैसे उसके काम आज़ा उतने शानदार तरीके में इब्तदा में नहीं करते थे अब बुढ़ापे में भी वो कैफ़ियत पलट के आ गई तो पहले इंसान की नशो वनुमा इरतिका उसकी इब्तदा और इरतिका का बयान किया फिर मंजर बदला फरमाया वतरल अरदहा में और तू जमीन को ये भी देखता है इंसान ये भी देखे कि तू देखता है जमीन को बिल्कुल खुश्क और मुर्दा देखता है फैजा अनजल ना अली हलमा तजत वराबत व अम्बत मिनकुल्ले जो बहीज और तू इस पर भी गौर अभी मैंने इंसान तेरी इब्तदा बयान की पहले कीमियाई इब्तदा फिर हयातियाती इब्तदा और तेरी इब्तदाता इंतहा बयान की कि कैसे नशोनुमा होगी अब आ अब अपने इर्द गिर्द जो जमीन देखता हो ऐ इंसान तू दुनिया देखता है जमीन उस पर भी गौर कर फरमाया तो देखता है कि एक जमीन बिल्कुल मुर्दा होती फिर हम उस पर पानी बरसा देते और मुर्दा जमीन पर जब बारिश करते हैं पानी बरसा देते हैं तो उसमें ताजगी और शादाबी की जुम्बिश आ जाती है हरकत आ जाती है ताजगी आने लगती है शादाबी आने लगती है और फिर वो फूलने बढ़ने लग अम्बत फिर वो फूलने बढ़ने लग जाती है इर्तिका होने लग जाता मिनकुल्ले जोजिम बहीज फूलने बढ़ने लग जाती है और फिर खुशनबा नबाता में से हर नौ के जोड़े उगाती है वो यानी उसके मेल और फीमेल उसमें भी उगते हैं और इशारा कर दिया कि मर्दों में भी मेल और फीमेल इस तरह पैदा होते हैं इसी तरह नबाता में में पौधों में भी मेल और फीमेल आते हैं अब ये सारा वो नॉलेज है जो चौदह सौ साल के बाद इंसान को साइंस के ज़रिए अब मिला ये सारा वो नॉलेज है और 1400 साल कबल आक ने यह सब कुछ दिया कुरान की शक्ल में तो इशारा ये था कि तुम बग़ैर इल्म बग़ैर हिदायत और बगैर किताब मुनीर के इनकार करते हो इन हकीकतों का ये बयान करके कि किस तरह गौर है बंदे कि किस हालत से तेरी इब्ता हुई किस तरह डेवलप हुए मरहला दर मरहला तेरा इरतका हुआ और किस तरह फिर बच्चा बना किस तरह वफात हुई किस तरह बुढ़ापा आया बुढ़ापे की कैफ़िया किस तरह तारी हुई तो जिस तरह इंसान की ज़िंदगी में एक इब्ता और इरत है और फिर इसी तरह नबातात आलम नबातात में भी एक इब्तः है इरतका है और उसके भी जोड़े हैं उसके भी मेल और फीमेल होते हैं मर्द और औरतों और की तरह यह बयान करके उसके बाद अगली आयत आई कि ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह की जात व सिफात और कुदरतों और शानों में झगड़ा करते रहते हैं बग़ैरम के बग़ैर किसी हिदायत और दलील के और बग़ैर किसी रोशन किताब के ये कुरान मजीद ने इन आयात में यह बयान किया इससे ये जब तीन लफ्ज इस्तेमाल किए तो और मिसालें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी इनमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो आँखों से नजर आती और दिमाग उससे मुतासर होता है दिमाग मानता है और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो आँख भी नहीं देखती जुने में मादर के अंदर गैब के पर्दों में हो रही हैं और दिमाग तक भी किसी जरिए की उन तक रसाई नहीं कि दिमाग को वसवुर मुंतकिल कर सके कोई चीज़ें ऐसी हैं जो किताब मुनीर से मालूम होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर अल्लाह ने हिदायत वदीत की है उसके ज़रिए मालूम हो जाती हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने इंसान को दिया उसके ज़रा और उसके आलत उनके ज़रिए मालूम होती हैं तो जहाँ आलात इल्म भी जवाब दे जाते हैं इंसान के अंदर उलूही तौर पर वदियत करदा हिदायत के वसायल भी जवाब दे जाते हैं वहाँ किताब मुनीर दामन थामती है तो आज की जो नशस्त है यंग पर ख़त्म करते हैं इन शाला त अगली नशस्त इससे आगे शुरू करेंगे पमा अल बलाग